यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर भी जाकर आप हमारे पोर्टल के द्वारा अपनी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुनने के पश्चात आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन स्वतः कर सकते हैं। उसके पश्चात आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की टीम आपकी कॉपी का 100% मूल्यांकन करके आपको 100% रिजल्ट उपलब्ध कराती है। तो सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए, रेडी। लोक और शास्त्र से अपने अपने लगाव के चलते क्रमशः निर्गुण और सगुण कवि कविता अपने अपने ढंग से सीमित और सीमाबद्ध जरूर हुई है। बदलते हुए समय ने भी उन पर अपने निशान लगाए हैं। निर्गुण और सगुण भक्तों का समाज दर्शन एक जैसा जरूर नहीं है, परंतु जैसा हमने कहा, बावजूद इसके अपनी सामाजिक चिंता में, अपने मानवीय सारोकार में सद्गुण भक्त निर्गुण संतों से एकदम अलग थलग नहीं है। कविता महज विचार की नहीं होती। मनुष्य का इंद्रिय बोध और उसका भाव जगत भी उसका अभिन्न अंग होते हैं। वरन इन्हीं भूमियों पर कविता सही मायने में कविता बनती है और संवेदना के धरातल पर अपनी स्थायी पहचान बनाती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, विचार के स्तर पर सद्गुण भक्तों ने जो भी कहा और प्रतिपादित किया हो, भावबोध के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, चित्रण के धरातल पर, विचार के स्तर पर वे अपने कहे हुए से भिन्न मानव प्रेम, सामाजिक न्याय तथा उन मूल्यों को ही सामने लाते हैं जो निर्गुण भक्तों का प्रतिपाद्य है। महोदय, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य की चर्चा में जिस बात को बराबर रेखांकित किया जा रहा है और जो वस्तुतः हमारी चर्चा का केंद्रीय स्वर बनी है, वह यह है कि भक्ति काव्य धर्म और भक्ति की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ, ध्यान उपासना और उनके माध्यम से इस लोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख भोगने का संदेश और प्रेरणा देने वाला काव्य नहीं है। धर्म और भक्ति के आवरण में वह सामाजिक अन्याय के विरोध में और मानवीय न्याय के पक्ष में एक उन्नत मानवीय समाज और एक उन्नत मूल्य व्यवस्था के पक्ष में खड़ा होने वाला और उसके लिए संघर्ष करने वाला काव्य है। ऐसा नहीं है जैसा कि प्रायः ऊपरी तौर पर समझ लिया जाता है कि सामाजिक अन्याय के विरोध में मानवीय न्याय के पक्ष में निर्गुण संतों के स्वर ज्यादा मुखर हैं और उनमें अधिक ऊष्मा है, जबकि सगुण भक्ति की कविता में परंपरागत सामाजिक संरचना का प्रायः समर्थन हुआ है और उसमें चली आ रही
सामाजिक सोच को भी गाढ़ा किया गया है। वस्तुतः भक्ति और आध्यात्म की जमीन पर निर्गुण और सगुण कविता में आलंबन के निर्गुण और सगुण होने के बावजूद दोनों में लगभग समानता ही है। अंतर दिखाई पड़ता है जब ये भक्त कवि अपने समय और समाज पर दृष्टि डालते हैं, उनका चित्रण करते हैं और उन पर अपनी राय देते हैं। यहाँ जरूर ऐसा लगता है कि सगुण भक्तों की तुलना में निर्गुण संतों की सामाजिक अन्याय या चली आ रही सामाजिक संरचना की अमानवीयता के विरोध में वे ज़्यादा मुखर और चिंताशील हैं। परंतु इस निर्णय पर पहुँचने के पहले हमें सगुण संतों और सगुण भक्तों की रचनाशीलता से समग्रता में साक्षात्कार करने की, उसे ऊपर ऊपर ही नहीं भीतर तक पढ़ने और सुनने की जरूरत है। परंतु सरकार के विरुद्ध वास्तविक आक्रमण हुआ। उसने 14 तारीख के वायसराय को लिखे गए पत्र द्वारा उन्होंने सरकार के प्रस्ताव के विभिन्न उपबंधों का विश्लेषण किया और आरोप लगाया कि इसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है और यह कांग्रेस के विरुद्ध झूठे आरोपों से पूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य यह था कि लोगों में त्याग की इतनी अधिक भावना जागृत की जाएगी कि सबका ध्यान इधर आकर्षित हो। इसका उद्देश्य यह दिखाना था कि इसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। वायसराय के विरुद्ध यह शिकायत थी कि कांग्रेस पर प्रहार करने से पहले सरकार को अथवा वायसराय को उसके पत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार के प्रस्ताव में सरकार द्वारा यह दावा किया गया था कि भारत की सुरक्षा का काम उसके सिरे पर है। गांधी जी को यह दावा सच्चाई के साथ मजाक लगा, विशेषकर मलाया, सिंगापुर और बर्मा की रक्षा में पूर्ण असफलता के बाद उनके विचार में सरकार का प्रस्ताव सत्य की हत्या थी। वायसराय ने केवल एक वाक्य में इसका एक कटु उत्तर दिया। इसके बाद महादेव देसाई की अचानक मृत्यु हो गई, जो कि गांधी जी के सबसे अधिक वफादार सहायक और सचिव थे। भारत में यह माना जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद गांधी जी ने महानिरीक्षक को एक संदेश दिया कि इसे एक्सप्रेस तार द्वारा भेज दिया जाए। संदेश में महादेव की विधवा को केवल सांत्वना दी थी और हिम्मत बनाए रखने को कहा गया था। अध्यक्ष महोदय, अब हम उनके जेल जीवन की चर्चा करेंगे। महानिरीक्षक जेल के प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण में महल को जेल घोषित कर दिया गया था।
जेल में उनके साथी थे महादेव देसाई, मीराबेन और सरोजनी नायडू। एक दो दिन बाद इस दल में कस्तूरबा भी शामिल हो गई, क्योंकि एक सार्वजनिक सभा में भाषण करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन 9 अगस्त को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा और एक पत्र बंबई के गवर्नर को लिखा। उन्होंने 9 तारीख को सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव का उल्लेख किया और कहा कि इसमें सरासर झूठी बातें दी गई हैं। भारत सरकार प्रस्ताव में कांग्रेस के और उनके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक सत्याग्रही के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के लिए भी विरोध प्रकट किया। उन्होंने गवर्नर को याद दिलाया कि इस बार आंदोलन में उनके अपने आप को गिरफ्तार कराने का कार्यक्रम नहीं रखा गया है, बल्कि सत्याग्रही गिरफ्तारी से बचने का भी प्रयत्न कर सकता है। क्योंकि वह अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ धक्का मुक्की नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जेल अधीक्षक ने उन्हें सूचित किया था कि उन्हें समाचार पत्र नहीं दिए जाएंगे। यह हमारे डिक्टेशन समाप्त हो गया। आप इसको चाहें तो आकर गूगल मीट पर पढ़ सकते हैं। जो नियमित रूप से पढ़ने वाले छात्र हैं डेली पढ़ते हैं, अगर जो नए जुड़ रहे हैं वो अगर पढ़ना चाहें तो आकर पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ हम